हाय स्टूडेंट्स, आई होप कि आपके जो प्रिपरेशंस हैं मैथ्स को लेकर के वो काफ़ी अच्छे चल रहे होंगे। और इस वक्त आज अभी इस वक्त जो हम ये वीडियो लेकर आए हैं, ये भी वीडियो जो है रिलेटेड है मैथ्स क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज अब हम इस वीडियो में टच करने वाले हैं जो 4 मार्क्स टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग अभी टच करेंगे। आपको हम बता दें स्टूडेंट्स कि 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन तीनों के लिए हमने 3 डिफरेंट डिफरेंट जो वीडियोस हैं वो हमने बनाए हैं। उसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगे वो हमने आपके लिए अपलोड किया हुआ है विद पीडीएफ। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और साथ ही साथ में लिंक जो है ये तीनों वीडियोस के, पहले वाले तीनों वीडियोस के, वो हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और आप वहां जा करके पीडीएफ भी डाउनलोड चाहे तो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बिना देरी किए अभी शुरू करते हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से वहीं से शुरू करूँगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आप बिल्कुल भी ऐसा फाइनल करके ना चलें कि ये क्वेश्चन 100% हैं और आपको इसी के ऊपर में बेस्ड होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हार्डवर्क करना है और हार्डवर्क करना है और हार्डवर्क करना है, एंड डेट इज़ द मेन थिंग। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा ही कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है, देखिए ये बेसिक है, हर चाहे 1 नंबर हो, 3 नंबर हो, 2 नंबर हो, सब में ये जुड़ा हुआ है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, प्रूव दैट एन क्यूब माइनस एन इज डिविजिबल बाई 6। ठीक है, तो यहां जो ये जो काम करता है ये फॉर्मूला पे काम करता है। स्टूडेंट्स, सारे क्वेश्चंस मैथ्स के जो हैं वो फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप फॉर्मूला पे चलिएगा तो आपको जो अपना सॉल्यूशन है वो आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो और एक और ख़ास बात, एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई होप कि आप इसे समझेंगे कि क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है अगर हम सभी क्वेश्चंस को टच करें, तो इसलिए हम यहाँ पे वैसा नहीं करेंगे। वैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि हम आपको टोटल जो है वो यहाँ पर आपको टोटल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डील करने वाले हैं। तो अगर हम एक एक क्वेश्चंस को अगर हमने लिया तो शायद काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम उस पर नहीं करेंगे। लिंक जो है इस पीडीएफ का हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फिलहाल चलते हैं आगे, और देखिए यहाँ पे 3 केसेस के साथ में समझाया गया। केस 1, इफ़ एन इक्वल्स टू 3 क्यू। केस 2, इफ़ एन इक्वल्स टू 3n+1। और केस 3, इफ़ एन इक्वल्स टू 3q+2। ठीक है, तो आप इसी के ऊपर में करते हुए चलिएगा, आपको आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत आपको सामने नहीं आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द हाउसेज इन अ रो आर नंबर कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49। शो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑफ हाउसेज प्रिसीडिंग द हाउस नंबर एक्स इज इक्वल टू द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेज फॉलोइंग एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको क्या करना है कि आपने कंसिडर कर लिया कि द नंबर ऑफ हाउसेज प्रेसिडिंग एक्स इज 1 2 3 ……x-1। ठीक है, और फिर इसी तरह से आप ये करेंगे कि जो सम होगा हाउसेज का वो होगा 1 + 2 + 3 + x ……, ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि a इक्वल्स टू 1 है, d इक्वल्स टू 1 है, n इक्वल्स टू x-1 है। ठीक है, और फिर इसी फॉर्मूला पे जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको इजिली जो आपका आंसर है वो निकल जाएगा। बस ध्यान ये दीजिएगा कि फॉर्मूला क्या है। मेरा सजेशन है आप लोगों को कि जो भी फॉर्मूलाज हैं जिस भी लेसन से रिगार्डिंग, उसके फॉर्मूलाज को आप लोग एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए और उसे याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो आपको वहाँ पर एग्जाम सेंटर में आपको इश्यूज़ नहीं हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये जुड़ा हुआ है एपी से। हमने देखा स्टूडेंट्स की आपने नोटिस किया होगा कि चाहे वो 1 नंबर का हो, 2 नंबर का हो या 3 नंबर के क्वेश्चंस, सभी में एपी से जुड़े हुए या ट्रिग्नोमेट्री से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जुड़े हुए हैं, तो आप उन सभी को ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 10 and 361 रेस्पेक्टिवली, इफ इट्स कॉमन डिफरेंस इज 9, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड देयर टोटल सम। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ एक एडवाइस मेरा है आप लोगों के लिए कि जब कभी भी आप कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करते वक्त में एक बात ध्यान रखना होगा कि जो भी क्वेश्चन हैं उनको, जो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको आप न्यूमेरिकल टर्म में आप उसे कन्वर्ट पहले कीजिए। अगर आपने वो कर लिया सही ढंग से और उसके बाद में फॉर्मूला को अगर अच्छे से पुट कर दिया तो आपका आंसर आपसे दूर नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज़ देखिए हमने यहाँ किया कि फर्स्ट टर्म ए जो है वो दिया हुआ है 10 है, और लास्ट टर्म ए एल इक्वल्स टू 316 दिया हुआ है, और जो कॉमन डिफरेंस है डी वो है
9, ठीक है, उसके बाद में कुछ करना बस बाकी नहीं रहा। AL इक्वल्स टू A प्लस एन माइनस वन, इस जो फॉर्मूला है इस पे आपने पुट किया एंड द आंसर विल बी योर्स, विच वुड बी, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 7420 आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, स्पीड से, आप कह लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस से, ठीक है। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत फेस किए होंगे कि कोई ट्रेन है या कोई मोटर बोट है, ठीक है, तो उसका एक स्पीड होगा, एक सर्टेन डिस्टेंस को वो एक सर्टेन स्पीड में वो कवर कर रहा होगा, तो फिर आपको स्पीड को जानना होगा। और यही चीज़ यहाँ था क्वेश्चन नंबर 4 में कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर स्टिल इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखिए वही क्वेश्चन है ये, और यहाँ पे आपने पहले स्पीड को एक्स माना, ठीक है, लेट द स्पीड बी एक्स, और फिर आपने क्या किया कि अपस्ट्रीम की तरफ जब बोट जाता है तो उसका स्पीड क्या होगा, नेचुरल है, माइनस में जाएगा, तो 24 माइनस एक्स है, ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में जब जाता है तो नेचुरल है, उसका स्पीड बढ़ जाएगा, तो 24 प्लस एक्स हो जाएगा। फिर आप जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है उसी हिसाब से आपको जस्ट वैल्यू करना है कि टाइम टेकन इन द अपस्ट्रीम जर्नी, टाइम टेकन इन द डाउनस्ट्रीम जर्नी, ठीक है, और फिर आप यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे और देखिए यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आएगा। मैं एक बार फिर से बता दूं कि इस पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, तो आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और उसे कॉपी में आप उसे खुद से कैलकुलेट करके बना सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं स्टूडेंट्स, और ये है अ ट्रेन हैज़ टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2800 किलोमीटर इन अ प्रीफिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, बट ड्यू टू द फॉगी वेदर द स्पीड ऑफ ट्रेन वॉज स्लो डाउन which reduced the average speed of the train for the overall journey by 100 km per hour, ठीक है, the time duration for the journey also increased by 30 minutes, determine the original speed and travel time taken by the train, ठीक है, okay, तो देखिए यहाँ पे था कि आपका जो total distance जो था covered वो था 2800 किलोमीटर्स, ठीक है, और फिर हमने यहाँ माना कि एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन जो है अगर वो x किलोमीटर पर आवर है तो जो न्यू स्पीड होगा वो कितना होगा, x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर, और फिर हमें पता ही है कि जो फॉर्मूला है वो है टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, तो उसी पे लेते हुए हमने जब किया कि एवरेज स्पीड क्या है, फिर रिड्यूस्ड स्पीड क्या होगा, जब उस पर हम कैलकुलेट करते हुए जाएंगे तो आंसर कुछ इस तरह से निकलेगा, ठीक है। देखिए और यहाँ पे एक खास बात था कि स्पीड ऑफ ट्रेन वुड बी 800 किलोमीटर पर आवर बिकॉज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन आपने अक्सर फेस किया है कि अगर एक टैंक को वाटर भरने में, पानी भरने में या तेल भरने में, डीजल भरने में, जो भी, अगर एक सर्टेन टाइम लगता है तो फिर दो हो तो कितने होंगे, या फिर अगर उनमें से एक खुला हुआ हो तो फिर क्या होगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर कि टू टैप्स रनिंग टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 3 1/13 आवर्स, इफ वन टैप टेक्स 3 आवर्स मोर देन द अदर टू फिल द टैंक देन हाउ मच टाइम विल ईच टैप टेक टू फिल द टैंक। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस जो होते हैं वो कंफ्यूजिंग तो काफ़ी होते हैं, नो डाउट, ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से बनाएंगे और पहले आप क्वेश्चन को सही से समझ लेंगे तो आपको इश्यूज नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, मैं बेसिक स्टार्टिंग आपको बता दे रहा हूँ कि बेसिक आपको ये करना है कि आपने पहले मान लिया कि लेट टाइम टेकन बाय वन टैप टू फिल द आवर फिल द टैंक एक्स आवर्स, ठीक है, आपने पहले एक टैंक को कर लिया और सेकेंड टैंक को फिल करने में टाइम कितना लगा, एक्स प्लस 3 आवर्स, पहले आपने ये ज्यूम कर लिया, ठीक है, फिर आपको उसी अकॉर्डिंगली फिर चलना है। और फिर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर आपने क्या क्या कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय सेकंड टैप इन 1 आवर, मतलब सेकंड टैप के द्वारा 1 घंटा में कितना समय लिया एक हिस्सा भरने में, तो वो था 1/x+3, ठीक है, कुछ इसी तरह से होता जाएगा। और फिर आप दोनों टैप में कितना 1 घंटा में लगा ये करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, और फिर आपको थोड़ा लेंथी जाना तो पड़ेगा क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं, बट यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली, ठीक है, बशर्ते आप एक फॉर्मूला पे चलें तो, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल से जुड़ा हुआ देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया एक क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, ठीक है,
ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ये आप इजिली मेरे ख्याल से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बट यू कैन डू। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, प्रूव इट। देखिए यहाँ पे आपका आ गया कि अगर एक लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल, एक ट्रायंगल के पैरेलल, एक साइड के पैरेलल में किया खींचा जाता है कि वो दो साइड्स को इंटरसेक्ट करे एक डिस्टिंक्ट पॉइंट से, तो अदर जो दो साइड्स हैं वो उसी रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे, इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये देखिए विद डायग्राम हमने आपको समझाया है, ठीक है, जहाँ पे आपने मान लिया कि गिवन है ए बी सी इज़ अ ट्राइंगल इन विच डी ई इज़ पैरल टू बी सी, ठीक है। यहाँ आपको दिख रहा है डी ई जो है वो पैरल है बी सी से, और आपको प्रूव करना है कि ए डी बाई बी डी इक्वल्स टू ए ई बाई सी ई, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं है, कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है और फिर आपको उसको सॉल्व करना है, ठीक है। और फॉर्मूला नहीं भूलिएगा ट्राइंगल का क्या होता है। फिर यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है साइन कॉस टेन वगैरह से जो क्वेश्चंस होते हैं, ये उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं, इनको आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये रिपीटेडली ये बार बार आ रहे हैं, तो आपको देखना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिखाता हूँ, देखिए ये भी उसी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आपने एक बार इसको अच्छे से कर लिया तो आपके इसमें मार्क्स जो हैं 4 मार्क्स ये पक्के हैं। और मैं आपको बता दूँ कि 4 नंबर वाले 6 क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी कि 24 मार्क्स टोटल होगा, तो ये नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी ऐसा ही है और इसी से जुड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने उसी में रखा है, ठीक है, देन 13 भी। अब आप समझ सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये सब, ठीक है। अब हम अगर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, तो यहाँ पे देखिए सर्कल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको आ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ठीक है, व्हेन इट्स सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट, यूज पाई इक्वल्स टू 22/7, ठीक है। आपको गिवन दे दिया, रेडियस आपको दे दिया है 14 सेंटीमीटर, सेंटर एंगल जो है वो आपको दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और फिर आप इसका वैल्यू बस पुट कीजिए, ठीक है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगा, एक बार इसे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर सर्कल से है जुड़ा हुआ, जो हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सर्कल से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है, ये ग्राफ में हमने आपको आपको फिगर में आपको समझा दिया, ठीक है। ए बी और सी डी जो हैं ये दो कोर्ड्स हैं, इक्वल डिस्टेंस है सेंटर से, ठीक है। तो ओ ई इक्वल्स टू ओ एफ, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, जहाँ पे ओ ई इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, ओ एफ इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन आपको क्या करना होगा, ज्वाइन कर लेना है ओ ए एंड ओ सी, ठीक है, और उसके बाद में आप बढ़ते चलिए, कुछ इस तरह से जाएगा। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो लंबा नहीं हो इस बात का ध्यान रखते हुए हम आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, आई होप आप इसे समझेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बेसिक टर्म्स या पॉइंट्स हम आपको समझा दे रहे हैं, और फिर आपको पीडीएफ तो दिया ही हुआ है लिंक में, आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लगातार आपको जितने भी तीनों वीडियो मैथ्स के भी प्रीवियसली दिए हैं उसमें मैंने सब में बताया कि एंगल ऑफ एलिवेशन से जुड़े हुए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और देखिए फिर से यहाँ पे रिपीटेडली ये आया और यहाँ पे एक फिर रिपीट हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस इज 60 डिग्री, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ द क्लिफ ऑब्जर्व फ्रॉम द सेम पॉइंट कम्स टू बी 30 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस अबव वाटर लेवल इज 12 मीटर, देन कैलकुलेट द हाइट ऑफ द क्लिफ एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस, ठीक है, एंड यूज रूट अंडर 3 इक्वल्स टू 1.732। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखिए दे दिया है, और ये मैंने बार बार कहा है कि यहाँ से तो ऊपर से नीचे का था और फिर डाउनवर्ड्स था, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है इस टाइप में कि आप कोई एक आदमी खड़ा हुआ है एक सर्टेन पॉइंट पे और वो किसी बिल्डिंग के टॉप की तरफ देखता है, ठीक है, तो उसका जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वगैरह, तो उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको बहुत आते हैं, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17, और ये जुड़ा हुआ है ट्राइंगल से, जिसमें आपको तीन साइड्स कुछ बता दिए गए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ट्राइंगल ए बी सी में बी सी है 7 सेंटीमीटर, एंगल बी है 45 डिग्री, एंगल ए है 105 डिग्री। तो कंस्ट्रक्ट करना है आपको दूसरा ट्राइंगल जिसका साइड्स है 3/4 टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो आपको पता ही है कि तीनों अगर एंगल्स को जोड़ा जाए तो 180 डिग्री बनता है, उसी को बेस में रखते हुए आपको करना है, बहुत इजीली ये बन जाएगा, ठीक है। देखिए ये हमने आपको ग्राफ भी दिया है यहाँ पे, तो थोड़ा सा आप इसे देख लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे आ जा रहा है मीन मीडियन मोड्स, और यहाँ पे देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये हो गया, या फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखिए इसको भी हमने उसी में रखा है मीन मीडियन मोड में, और क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ये है आपका 20। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये गौर कीजिए कि ये तीनों जो हैं हमने इसलिए रखा वहाँ पर क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड से, ग्राफ से रिलेटेड ये सब क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ज़रूर से ज़रूर देखेंगे। तो स्टूडेंट्स अभी हमने आपको आज इस वीडियो में देने का कोशिश किया, हमने आपको बताया कि कौन से वो 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, उस एरिया को आपको कवर कर लेना चाहिए और करना ही है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पहली बार अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स अपने आप आपके स्मार्टफोन पर पहुंच जाएं। स्टूडेंट्स हम आपके साथ में बने हुए हैं, हमने क्लास 10th 12th से जुड़े हुए डिफरेंट वीडियोस सब्जेक्ट से जुड़े हुए हमने डाले हैं, अपलोड किए हैं, सॉल्व सैंपल पेपर्स हमने आपको दिए हैं, उन वीडियोस को आप ज़रूर जाएं, ज़रूर हमारे चैनल को विजिट करके देखें और उनको एक बार स्टडी आप ज़रूर करें, मुझे पूरा यकीन है कि आपको उनमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पर हम एट द एंड एक बार फिर से कर देते हैं क्लियर कि हम ऐसा कोई दावा नहीं कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन 100% आपके आएंगे, ऐसा दावा करना बिल्कुल गलत है और वो हम कभी नहीं करेंगे क्योंकि हम आपके ना सिर्फ वेल विशर हैं बल्कि आप सभी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं। तो आई होप कि आप इस बात को समझेंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं स्टूडेंट्स नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।